आज हम बनाएंगे हेल्दी और टेस्टी वेज सैंडविच। मेरा बेटा सब्जियाँ बिल्कुल भी नहीं खाता, मगर इसे जब इस तरीके से वेज सैंडविच बनाकर खिलाती हूँ तो वो शौक से खाता है। और इसमें मैंने जो मेयोनीज यूज़ किया है वो भी मैंने घर पे ही बनाया है। तो सारी चीज़ें हेल्दी है और टेस्टी तो इतनी बनती है कि बच्चे बार बार यही बनवाएंगे, और ये झटपट बन भी जाती है तो हमारा काम भी आसान हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जल्पा पटेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन रेसिपीज़ में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो प्याज को इस तरह से बारीक काट लिया है। ये मैं एक बाउल में डाल रही हूँ। और लिया है खीरा, उसको भी मैंने बारीक काट लिया है। हमें इसके थोड़े छोटे ही टुकड़े करने हैं। और लिया है गाजर, गाजर को भी मैंने बारीक इस तरह से काट लिया है। और लिया है कैप्सिकम, उसको भी मैंने बारीक काट लिया था। आप अपने हिसाब से जो भी वेजिटेबल्स इसमें डालना चाहे वो डाल सकते हैं। और मैंने इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें तीखी मिर्च भी डाली है। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें मैंने डाला है चिली फ्लेक्स। आप चिली फ्लेक्स की जगह पे मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और डालेंगे ओरेगानो। ओरेगानो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब जो हमने घर पे मायोनीज बनाया था वो इसमें डालेंगे। तो ये मायोनीज मैंने घर पे बनाया हुआ है ना, बिल्कुल बाजार जैसा। अगर आप ऐसा हेल्दी और वेज मायोनीज घर पे बनाना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और ऊपर आई बटन में भी आपको वीडियो मिल जाएगी, और आप मेरी चैनल पे जाके भी चेक कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने मायोनीज में काली मिर्च पाउडर डाला था तो मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ, आप अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। मैंने इसमें थोड़ा सा और मायोनीज डालकर मिक्स कर लिया है। आप अपने हिसाब से कितना पसंद है उतना मायोनीज डाल सकते हैं। अब एक ब्रेड को लेना है और इसके ऊपर हम इस तरह से सॉस को स्प्रेड कर देंगे, और डालेंगे हमारा जो वेजिटेबल्स का जो मिक्स है वो इस पर डाल देंगे। और इसके ऊपर हम रखेंगे चीज़ की एक स्लाइस, आप ग्रेट करके भी चीज़ डाल सकते हैं। और इसके ऊपर हम रख देंगे दूसरी ब्रेड। अब गैस पर एक पैन में मैंने थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है। अब इसके ऊपर हम हमारी सैंडविच इस तरह से रख देंगे। मैं यहाँ पे इसे तवे पर बना रही हूँ, आप चाहे तो सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं। और इसे अब हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि जो वेजिटेबल्स है अच्छे से पक जाए और चीज़ भी मेल्ट हो जाए। अब थोड़ी देर के बाद हमें इसे पलटना है तो ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इस तरह से हम इसे पलट देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा ब्रेड सिक गया है। अब दोनों साइड से अच्छे से इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाना है। तो थोड़ी देर फिर से हम इसे ढककर पका लेते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से पकाने के बाद हम देख लेते हैं कि हमारी सैंडविच कैसी बनी है। तो ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन सिक गई है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। है ना, बनाना बिल्कुल आसान और हेल्दी तो है ही। अब झटपट से कट लगाकर इसे देख लेते हैं कि अंदर से सैंडविच कैसी बनी है। तो ये देखिए एकदम चीज़ी हेल्दी वेज सैंडविच, देखकर ही खाने का मन हो गया ना। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, ये बच्चों बड़ों सबको पसंद आएगी। इसे आप सॉस या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।